नाजरीन आइए देखते हैं शिराज टाइम्स न्यूज़, एक ऐसी लड़की की कहानी जहां पर फिर एक बार हमारी बहू बेटियों को किस तरीके से ससुराल में जुल्म किया जाता है और इतना मजबूर और बेबस कर देते हैं जहां पर वो खुदकशी करने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी अहमदाबाद के गुजरात से है जहां पर साबरमती की नदी में वो अपनी जान को गंवा कर दुनिया को एक मैसेज देती है, कैसे वो अपने माँ बाप से आखिरी गुफ्तगू करती है और बहुत ही दर्द के साथ दिल दहलाने वाली आगे की दास्तां आप खुद सुनिए। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है, अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे, चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफ़ी। थैंक यू, और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो सुनो। हाँ मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो कहो। नहीं बेटा ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी, इसे जो चाहे भूलना। नहीं बेटा ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं कुछ जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। मैंने नहीं नहीं थी ना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तक ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं थी ना मॉम, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो थक, कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं बढ़ने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बढ़ना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक है सुबह? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता पापा कल जालौर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया, पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो लेट हो गया उसको। शांति रात जी मॉम, मैंने अब नहीं जीना। सोनो अब नहीं जीना बेटा। सोनो मेरी बात, अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले?
इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे मैं जा रहा हूँ, कल जा लो मेरे को खाली मेरी मैया को जिसे बुलाना है ले, मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा, पर नहीं यार मैं तुमको तकलीफ दू, कब तक तकलीफ दू सबको? अम्मा ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम मुबारक मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरे को अम्मा, ऐसा रजी अल्लाह की कसम है तेरे को, तू घर आएगी बच गई तो ले जाना, घर आई तो दफन कर देना, तुम मैं कल जालौर जा रहा हूँ, नहीं पापा कल जालौर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पार्टी का समय देख, अब बस पापा बस तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा, अब तुम्हें आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली, जो जवाब थी वो मिल गए, नहीं पापा अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी, मेरी बात सुन तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग मिल जाएंगे, कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा, अब मैं थक गई हूँ, मैं मोंटू को भेजता, मेरी बात सुन, मैं मोंटू को भेज रहा हूँ, कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है, बता दी यूं रेंट पे हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा, पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी का, सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू, वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता, हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा, वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में, नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन, मैंने बहुत भरोसा कर लिया, तू घर आ जा बस, एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले, तू कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा, अब नहीं आ बेटा, समझती क्यों नहीं है, तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारू, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा, फिर मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ, समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है, चल घर आ जा, चल नीचे कहा कौन सी जगह, मैं मोंटू को भेजता हूँ गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को, बोल कौन सी जगह खड़ी है तू, रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ, कौन सी जगह अपन एलिस ब्रिज के पास, हाँ है, हेलो हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ, मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को, आ रही हूँ, हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल, कल जालौर जाता हूँ मैं, आ जा तू घर आ, અહીંયા દૂર તો કોઈ માણસ જોવાતો નથી, આના ઉપર ફોન આવ્યો, અમે ફોન ઉઠાવ્યો, ફોન ઉઠાવ્યો નહીં, અહીંયા ભૂલાયું છે, અમે કોઈ છે નહીં અહીંયા.